स्वच्छता में इंदौर लगातार छठवीं बार पूरे देश में नंबर एक स्थान पर है। लगातार छह बार से खिताब जीतने के बाद से बधाइयों का सिलसिला जारी है और इसका श्रेय जनता को मिल रहा है। जनप्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि वो सीएम से इंदौर के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। वहीं पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ ने भी इस उपलब्धि पर सभी को बधाई दी। बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है कि इंदौर छठी बार नंबर वन आया है। लगातार एक दो तीन चार पाँच और छः बार आना एक बड़ा अचीवमेंट है। और जो बीज हमने बोया था आज वट वृक्ष के रूप में स्थापित हुआ है और सभी लोगों की उसमें मेहनत रही है। सभी लोगों ने अपना अपना अमूल्य समय दिया। ये गौरव का विषय है, मान का विषय है, सम्मान का विषय है। इंदौर राष्ट्र के क्षति पर एक बार नहीं, पांच बार नहीं, छठी बार स्वच्छता के अंदर छक्का मारा। ये इंदौर का संकल्प है, ये इंदौर का विश्वास है, ये इंदौर का जुनून है। इंदौर में गांधी जयंती और सेवा पखवाड़े के समापन के मौके पर भाजपा कार्यालय पर खास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा ने कांग्रेस के गांधी चौपाल पर तंज कसते हुए कहा कि केवल गांधी चौपाल लगाने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को चाहिए कि महात्मा गांधी के विचारों को भी ग्रहण करे। कांग्रेस को बहुत पहले गांधी चौपाल लगानी चाहिए थी। इसके साथ इंदौर को स्वच्छता में छठवीं बार नंबर वन आने पर बधाई दी। आज गांधी जयंती के अवसर पर पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। आज सेवा पखवाड़े का समापन है।